वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उर्दू डिज़ाइनर के बारे में कि उर्दू डिज़ाइनर क्या है और इस पर हम काम किस तरह करते हैं। ये समझ लो मोबाइल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह कंप्यूटर में कोरल ड्रा और फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह हम यूज़ करते हैं, सेम ये मोबाइल के लिए ऐप है। यहाँ पर आपको ये 6 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू डिज़ाइन, यहाँ पर ये न्यू डिज़ाइन है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे ऑनलाइन डिज़ाइंस, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन डिज़ाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लास्ट पे ये माय डिज़ाइन जो आपने बनाए हुए हैं वो डिज़ाइन यहाँ पर होते हैं, और नीचे पहले नंबर पर कंटेस्ट, यहाँ पर मुकाबले होते हैं योम आज़ादी के हवाले से, ईद के हवाले से, न्यू ईयर के हवाले से, और बीच में यहाँ पर ये ट्यूटोरियल्स है, अगर ट्यूटोरियल इस के बारे में आपने देखने हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, और माई फोल्डर में आप जो आपने बनाए हुए डिज़ाइन है उसके JPG देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं न्यू डिज़ाइन में, न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप पेज साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर आप इसके साइज़ बना सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट हो, और यहाँ पर अगर आपने पिक्सल्स में लेना है तो पिक्सल्स पे डिफ़ॉल्ट तौर पर पिक्सल्स पे है, और यहाँ पर इंचेस भी है, फीट भी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर सारे हैं, तो पिक्सल्स हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने ये रेडीमेड पेज साइजेस है, अगर आपने ये उठाने हैं तो आप ये भी उठा सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वीडियो के लिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड के लिए, और इन्विटेशन कार्ड अगर आपने बनाना हो तो ये, बुक कवर, इंस्टाग्राम के लिए फिर ये है, ये भी इंस्टाग्राम का है, ये दूसरे नंबर पे ये भी इंस्टाग्राम है, ये चार ये सारे इंस्टाग्राम के, यहाँ से फेसबुक की शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए फेसबुक प्रोफाइल कवर अगर आपने बनाना है तो ये है, फेसबुक पेज कवर, फेसबुक फोटो पोस्ट, ग्रुप कवर, स्टोरी के लिए ये है, और ये रील्स के लिए हैं, और एड के लिए ये लास्ट। इसके बाद दो ट्विटर के हैं, ट्विटर और ट्विटर हेडर, इसके बाद यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब थंबनेल, पिंटरेस्ट, बिजनेस कार्ड, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारे जो है यहाँ पर रेडीमेड, यहाँ पर पेज साइजेस है, ये आप उठा सकते हैं। फ़िलहाल हम उठाते हैं यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर अभी ये जो 9 ऑप्शंस है, यहाँ पर ये जो 12 ऑप्शंस है, ये उर्दू डिज़ाइनर के सारे ऑप्शन यहाँ पर इसमें मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो है गैलरी है, गैलरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपने गैलरी में से कोई भी फ़ोटो उठा सकते हैं, फिलहाल मैं ये उठाता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये JPG हमने उठाया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसको आप मूव कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल आपने साइज़ बढ़ाना हो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, और अगर वर्टिकल आपने साइज़ बढ़ाना हो, और अगर ओवरऑल साइज़ बढ़ाना हो तो ये कोने से आप पकड़ सकते हैं। रोटेट करने के लिए ये इस कोने पर, यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर ये रोटेट आप कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आपके पास और भी ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी, फिट टू पेपर, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, रीसेट रोटेशन, लॉक मोमेंट, लॉक मोमेंट जब आप क्लिक करते हो तो आपकी जो पेज है, ये जो पिक्चर है, ये मोमेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिट टू पेपर, इसको क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल पेपर पर फिट हो गया है, यानी कि विड्थ इसका फिट हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं था कम्प्लीट, इसलिए यहाँ पर जो वर्टिकल है ये स्क्रीन से बाहर निकल गया है। इसको आप सेट कर सकते हैं रिसाइज पर, यहाँ पर आप इसको छोटा करके यहाँ पर पेज पर सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर अभी आपने इसको क्लोज़ करना है, यहाँ पर ये अगर आपने डिलीट करना है तो ये डिलीट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यस नो, इसको नो कर देते हैं, या रिसाइज है, और यहाँ पर ये बॉर्डर है, बॉर्डर में फिर आप कलर दे सकते हैं, ये बॉर्डर कलर, कोई भी बॉर्डर कलर आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो इसका थिकनेस है वो कम है, इसको बढ़ा देते हैं, ये देखें, और जो
ब्लैक बॉर्डर है ये जेपीजी के अंदर ही है, जो उर्दू डिज़ाइनर का बॉर्डर है वो ये है। यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं, दो कलर तीन कलर मिक्स। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रेडियंट कलर हो गया। इसके बाद यहाँ पर विड्थ आप सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं डेस्ट, डेस्ट भी आप उठा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो ये हम क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन आपने ख़त्म करनी है, यहाँ पर ये डी सिलेक्ट हो गया। अब आपने ये पेज सिलेक्ट किया है, इसके बाद अगर आपने पेज दूसरा उठाना है तो यहाँ पर रिसाइज पेपर पर क्लिक करके यहाँ दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी दूसरा पेज उठा लीजिए। देखिए मैंने चेंज कर दिया, दोबारा उठाते हैं, यहाँ पर लैंडस्केप हो गया। और अगर आपने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देना है तो यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये बहुत सारे ऑप्शंस है, इंशाल्लाह इनको वन बाय वन हम देखेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन पिक, ऑनलाइन पिक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो ऑनलाइन बने हुए फ़ोटोज़ है, ये भी उर्दू डिज़ाइनर के अपनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें बहुत सारे और भी आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो भी आप टेप क्लिक करते हो उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको पिक्चर्स मिलेंगे। अगर इसको आपने क्लोज़ करना है तो यहाँ पर ये क्लोज़ हो जाता है, पेक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर माई फोल्डर जो आपने खुद के बनाए हुए आपके डिज़ाइंस है वो यहाँ पर आएंगे। ये देखें यहाँ पर ये सारे डिज़ाइन हमारे बने हुए हैं, ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। और इसको बैक कर देते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर। यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर उर्दू में लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर पोइट्री वगैरह अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप पोइट्री भी उठा सकते हैं। ये यहाँ पर पोइट्री के फिर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर आप कोई भी शेर उठा सकते हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं, बेक। यहाँ पर कुछ भी आप लिखो, मैं लिखूँगा उर्दू में आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ पर बैक करके यहाँ पर एड टू डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पर ये एड टू डिज़ाइन हो गया है। अब इस जीपीजी को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो। और बैकग्राउंड हम उठाते हैं, वाइट बैकग्राउंड उठाते हैं। यहाँ पर कलर पर क्लिक करते हैं, वाइट बैकग्राउंड कोई भी बैकग्राउंड आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये भी उसी तरह जेपीजी की तरह आप साइज इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखें। और अगर इसका आपने फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पर फॉन्ट एडिट कलर वगैरह सारा इसके ऑप्शन है, ये वन बाई वन हम देखेंगे। यहाँ पर आते हैं इसको डी सिलेक्ट करने के लिए, डी सिलेक्ट एड न्यू में आते हैं। यहाँ पर पेज बॉर्डर्स, अब यहाँ पर पेज बॉर्डर आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये सारे जो पेड वर्जन है, यहाँ पर जो स्टार दिया हुआ है ये प्रीमियम वर्जन के लिए है। और यहाँ पर ऊपर जो तीन रोज़ है ये जो है ये फ्री है, इसमें से आप कोई भी बॉर्डर उठा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास बॉर्डर आ गया है। इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर दे दे। यहाँ पर ये कलर हो गया। और इसका थिकनेस आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसका थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको पेज पर अप्लाई करने के लिए इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर डन लिख लेते हैं। ये डन हो गया, ये हमारा पेज बॉर्डर हो गया। इसके बाद यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड ये सारे हम कर सकते हैं। इसको फिर डी सिलेक्ट करते हैं, दोबारा आते हैं यहाँ पर ड्रा। अब यहाँ पर ड्रा ये ब्रश है, यहाँ पर क्लिक करते हैं आप। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पर स्प्रे है, कैरेन है, इंक है, प्योर है, लॉन्ग प्योर है, रिबन है, शेडेड है, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ आप उठा सकते हैं। यहाँ पर ये इसका साइज़ हो गया, इसको क्लोज़ कर देते हैं।
अब यहाँ पर कलर है, कोई भी कलर हम उठाते हैं, ये कलर मैंने उठा लिया, इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर कुछ भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, ये देखें ब्रश आपने चेंज करना है, ये उठाते हैं, ये देखें। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसको डन कर देते हैं, डन हो गया। एड न्यू, यहाँ पर टेबल, टेबल अगर हमने उठाना है 3x4 टेबल हम उठा सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर रोज़ और कॉलम्स हमें उठाने हैं तो यहाँ पर प्रीमियम, प्रीमियम आपको 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल का मिलेगा। प्रीमियम किस तरह उठाते हैं ये किसी और वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्रिएट टेबल, ये देखिए यहाँ पर टेबल बन गया है, 4x3 का टेबल है। यहाँ पर इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसकी फिर मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के, ये देखिए यहाँ पर टेब्स और भी हैं, यहाँ पर इस तरह भी आपको मिलेंगे और इस तरह भी आपको मिलेंगे। अब आप डिज़र्ट पे जाते हैं, सहरा पे, ये मुख्तलिफ किस्म के आपको पिक्चर्स मिलेंगे बैकग्राउंड। ये सारे जो है ये उर्दू डिज़ाइनर की प्रॉपर्टी है, फ्री है बिल्कुल सारे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है PNG इमेजेस, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर ये देखें, ये बीच में, यानी कि PNG इमेजेस का मतलब है कि बीच में अगर खाली स्पेस हो तो खाली ही नज़र आएगा। अब यहाँ पर ये उठाते हैं हम, ये देखें यहाँ पर ये साइड इसका भरा हुआ नहीं है, ये अगर आपने एक साइड पे लगाना है तो ये इस तरह आएगा। इससे आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है। इसको डीसेलेक्ट करते हैं, एड न्यू में जाते हैं, यहाँ पर शेप्स, शेप्स आप मुख्तलिफ किस्म के शेप्स उठा सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिक शेप्स है, बेसिक पर क्लिक करते हैं, ये बेसिक शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह ये आप उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये शेप्स हैं, और अगर आपको बेजेस चाहिए तो यहाँ पर ये बेजेस है आपके पास। ये सारे जो है उर्दू डिज़ाइनर की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर स्पेशल टेक्स्ट भी इसमें है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखें नाम है, महफिल, मजलस, मिलाद, दिन, महीने, ये देखें यहाँ पर दिन महीने पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखें जुमा, इतवार और मार्च, अप्रैल वगैरह सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अलकाबात है, अराब है, ईद है, रमज़ान है, इसके हवाले से बने बनाए टेक्स्ट आपको मिल सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन में एड कर सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पर एड न्यू में जाते हैं, यहाँ पर लोगोज़, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर लोगोज़ आपको मिलेंगे बने बनाए, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लोगोज़ है यहाँ पर, ये सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं लेकिन आपको फ्री में मिल रहे हैं बने बनाए, इसको आप यूज़ करके ख़ूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये थी एक ओवरव्यू उर्दू डिज़ाइनर के मुताबिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी और डिटेल आपको दिखाएंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।